क्या है माना प्रकाश, फिर उजाले में जाले दिखते हैं, अभी अंधेरे में जाले नहीं दिख रहे हैं। अभी हम खूब उजाला कर देंगे ना तो आपको जाले सब तरफ लटकते दिखेंगे। तो सत्संग में लोग आना कम पसंद करते हैं, क्यों? अब अपने अंदर इच्छा, अहंकार, कपट, झूठ, लोभ, नासमझी, आलस्य, अब इन सबका जाला दिख रहा है। इतनी ताकत नहीं है कि अपने अंदर के अज्ञान रूपी जालों को तुम साफ करोगे तो तुम्हारा घर साफ होगा। जैसे घर की सफाई तुमको, तुम्हारे मेहमानों को सुख पहुंचाती है, ऐसे मन की सफाई तुम्हारे जीवन के कल्याण में तुम्हारे लिए मददगार है। मन साफ तेरा है कि नहीं पूछ गुरु से, फिर करना है जो कुछ भी कर ले कोशिश, जहाँ सफाई वही खुदाई। मन अपने लिए करो सफाई, फिर देवेगा प्रेतम दिखाई। देखो अखियाँ अपने खोलो को, मेरा सतगुरु वसुदा फोन को। भगवान तो तुम्हारे नजदीक से नजदीक है लेकिन तुमको दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अहंकार का पर्दा। अगर भजन की लाइन गाते हैं कि अहंकार का था बीच में पर्दा पड़ा, मोह का था अंधेरा चारों तरफ, बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं, कोई जाने ना जाने तो मैं क्या करूँ, कोई माने ना माने तो मैं क्या करूँ। तो अब सत्संग में बैठकर आपको तेरा मेरा लोभ लालच बुराई भलाई, ये अच्छा है ये खराब है, अच्छा इसके पास ये क्यों हो गया मेरे पास नहीं है, आप देखो कितना परिवर्तन आ जाता अगर कोई करना चाहता है तो। नहीं तो 100-100 साल हो जाते हैं, बिल्ली चली अज को 100-100 चूहा खाए, बिल्ली चली अज को, चप्पलों में चप्पलें घिसती जाती हैं लेकिन मन नहीं घिसता, पुरानी आदतें नहीं घिसती नहीं जाती। तो सत्संग आज किसी से, आज एक दृष्टांत चला, किसी ने संत से पूछा आज के युग में सबसे बड़ा पाप क्या है, आज के युग के अनुसार बताइए। तो संत जी भी आधुनिक परिवेश के थे, बोला हाँ सच्ची बात, बोला आज के युग का पाप है किसी की समय की बर्बादी करना, किसी के मन को गलत दिशा में ले जाना, किसी के कानों में ऐसा शब्द डाल देना जो उसके अंदर दुश्मनी के भाव पैदा होते हैं, किसी के अंदर में ऊंच नीच की भावना का भर देना, और सबसे जघन्य अपराध पाप बताया परमात्मा के प्रति जो तुम सब लोगों के अंदर में अश्रद्धा है वो सबसे बड़ा पाप। बच्चों को तो सिखाते हो से बेटा थैंक यू, लेकिन तुमने कभी धन्यवाद बोला भगवान? पूरा दिन निकल गया हमने शुक्राना गाया। दादाजी ने बोला हर घंटे के बाद हाथ जोड़कर आंख बंद करके भगवान का शुक्राना मानो, प्रभु एक घंटा अच्छे से बीत गया। धक्के खाते रहते हो काम बनता नहीं, ये काम कब बनता है? जब उसको भगवान का होता। तो बच्चों को तो सिखा रहे हो बेटा धन्यवाद बोलो, बेटा धन्यवाद बोलो, तुम्हारे अंदर से कभी धन्यवाद निकलता है? शुक्राने निकलते हैं? मैं जिंदा उठा प्रभु तेरा शुक्राना, भजन मत गाओ केवल, सतगुरु तेरा शुक्राना, रैवर तेरा शुक्राना, ये भाड़ लगते हैं, मतलब दिल से प्रशंसा नहीं होती है केवल शब्दों से। राजा के पास एक कवि गया, राजा साहब आप विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं,
संस्कारवान हैं। आप जैसा राजा इस पृथ्वी पर नहीं ना है, ना होगा, ना हुआ था। राजा ने भी कहा, ठीक है, कल तुम्हारा 10,000 दिनारे सोने की दी है। दूसरे दिन बड़ा खुश दोस्तों को कहता, देखा कैसा उल्लू बनाया राजा, मैं अच्छे अच्छों को अपने बातों के जाल में फंसाता हूँ। दूसरे दिन गया दरबारी नहीं सजा, मैसेज भिजवाया, अरे आपने मुझ कवि को 10,000 दिनारे सोने की देने का वायदा किया था, आप तो राजा हो, आपने मुझे दिया नहीं। राजा जहाँ बैठे थे मंत्रियों के साथ, बड़े इसको यहीं भेज दो, बोला राजा ने, तूने मुझे शब्दों में खुश किया, मैंने भी तुझे शब्दों में खुश किया। तूने मुझे शब्दों में खुश किया, मैं इतने हजारों लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, एक नजर में परख लेता हूँ, तो मुझे शब्दों से बेवकूफ बनाने आया, मेरा धन बर्बाद है, बेकार है, मेरे पास कितना समूह रह गया। ये बातें बहुत सच हैं, क्योंकि पूरे वातावरण में, प्रकृति में सत्य परमात्मा का वासा है। प्रीत की है ये तार सजन, जो इधर सजे उधर तो तुम सच्चाई से प्यार करते हो, ये अगले तक पहुंच जाता है। तुम्हारे प्रेम में खोट है, भेद बुद्धि है, दिखावा है, चालाकी है, छलावा है, होशियारी है, ये भी समझ में आ जाता है। विवेकानंद अपने घर से आ रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस के लिए भी खींच हो रही है, और घर में बड़ा बेटा होने के कारण जिम्मेदारियां भी। माँ कह रही है नौकरी करो, खर्चा दो, लेकिन गुरु का प्रेम घर में चैन नहीं लेने दे रहा। किसी आ रहा है कि कौन मेरे को मिल गया है, पागल गुजारी, मुझे कहीं चैन लेने नहीं देता है, मैंने मना किया है, मुझे छोड़ दो। अपने आप को रामकृष्ण कहता, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही रामकृष्ण बन के तेरे कल्याण के लिए आया। रामकृष्ण ने जोर से बोला, बस बस, इसके आगे कुछ मत बोल। हाँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही तेरे लिए रामकृष्ण बनकर आया हूँ। डर गया, मैं तो इतनी दूर कोसों दूर बैठा हूँ, और गुरु ने मेरे अंदर की आवाज कैसे जान ली। भागता 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 जब पहुंचा, बोला मुझे माफी दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये बताओ आपको कैसे आपने मेरे मन की बात सुनी और मेरे मन को आपने उत्तर दिया। तो सच्चा सर कोई बात छिपाता नहीं, कहते हैं देखो बेटा, जब कमरे में सफाई हो जाती हो, लाइट जला देते हो, शांति से बैठते हो, तुमको अपनी श्वासों की आवाज भी सुनाई देती है। अभी पंखे चल रहे हैं, जब खूब शोरगुल है, भजन भाव है, नाच कूद है, तुमको पंखे की आवाज सुनाई देती है? नहीं। बोला ऐसे ही मेरा अंतःकरण विचारों से शून्य है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कुछ भी सोचता है, वो मैसेज मेरे पास अपने आप आ जाता है। प्रकृति का ये अपने आप ऐसे ही तारतम्य है। हम लोग सत्संग में जाते थे, जो भी बात घर में होती थी, गुरु जी उसके ऊपर सत्संग करते थे। जब अलग अलग जाते थे, लगता था इसने कह दिया, माँ ने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया। लेकिन जब सब साथ में गए और तब भी सत्संग हुआ, तब अम्मी ने पूछा, बोला नहीं, गुरु की वाणी आवाज आसमान, ये हक की निशानी। तो मन धीरे धीरे अनुभव करता 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 तब विश्वास करता है, और तब अपने आप में भी परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। मैं गलती करो तुम, सजा भुगतो मैं, क्यों गलत करो करो तो मन में अपना मैला करो क्यों, इसके लिए ही परहेज, बंद और परहेज।
किनारे किनारे चलो। जो भी साधक अपने समय का ध्यान रखता है, अपनी श्वासों का ध्यान रखता है, अपनी अंतर आत्मा का ध्यान रखता है, सारी दुनिया में तुम महानता के पद पर बैठ जाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर की तुम्हारा कॉन्शियस तुमको कहेगा तुम्हारे अंदर अभी भी ये कमियां हैं। गॉड में पर रिव्यू बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। मैंने किसी के समय की अगर बेकदरी करी होगी तो मैंने भी समय की बेकदरी करी। मुझे लालच होगी पद की, प्रतिष्ठा की, पदार्थ की, ये भी इच्छा लोग मुझे अच्छा समझें। अरे भाई भगवान मुझे अच्छा समझे, मैं गुरु के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जी लूं। मैं भगवान के दरबार में जब पहुंचाया जाऊंगा तो आत्मज्ञानी की हैसियत से या अज्ञानी की हैसियत से मेरे को वहां खड़ा किया जाएगा। ये जो हर पल इतनी मेहनत हो रही है किस लिए? उस अंतिम पल के लिए जिस पल तुम्हारा चित्र मिलन होना है परमात्मा से। सब्जी खरीदने जाते हो, जूता चप्पल कपड़ा खरीदने जाते हो, कम पैसा लेके जाते हो। मकान दुकान खरीदने जाते हो तो लाखों का काम होता है और लाख एक दिन में इकट्ठे होते हैं। लाखें श्वासें जाती हैं, लाख इकट्ठा कर। कितना समय तुम्हारा चला जाता है। ये सत्संग माना सावधानी, सत्संग माना अपने अंदर के युद्ध को प्रकट करो, सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। युद्ध को प्रकट करो। आज के युग में युद्ध की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध की आवश्यकता है। इसीलिए दादाजी ने बोला जाओ जाकर सबको सच की समझ दो, जाओ। कुछ बनना बनाना नहीं। बर्फ पिघलती रहती है तब भी तुम कहते हो जरा पूछ के ले आओ, लस्सी में डालनी है, शरबत में डालना है, गरम दूध में डालना है मुआवजा बनाने के लिए, जबकि वो बिचारी ऑलरेडी गल रही है। तुमको पसंद नहीं आ रहा बिना कूटे उसको, तो तुम्हारी श्वासें, तुम्हारा शरीर पल पल पिछड़ रहा है, लेकिन जब तक मन को भी नथिंग नहीं करोगे परमात्मा के दरबार में कबूल नहीं करोगे। मैं हुआ तो खुदा हुआ। इसीलिए ज्ञानी सही समझ देता है, बिठाते तुम हो, चलाते तुम हो, बुलवाते तुम हो, सुखद दुखद परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, सत्ता में रहना खुद सिखाते हो। हे प्रभु, ना मैं अपना समय बर्बाद करूं, ना मैं किसी दूसरों का समय बर्बाद करूं। स्वामी रामदेव कहते हैं भगवान मुझको मेरे दोस्तों से बचाओ। अब दुश्मनों से तो लोग कहते हैं, दोस्तों से ज्ञानी कहता, क्योंकि तुम्हारा सुनेंगे नहीं, सत्संग में नहीं आएंगे, तुम्हें भी फंसा के बिठा देंगे। रोज तो जाती हो, एक दिन ना जाओ तो उनसे पूछो रोज खाना खाते ना खाओ तो, व्रत भी रहते हैं तो भी चट्टे चटपट्टे खाते रहते, बिना खाए गुजारा होता नहीं। रोज बोलते एक दिन ना बोलो, मौन व्रत रखो, मुंह की मौन कर लेते मन की मौन नहीं आता। तो तुम्हारा गलत व्यवहार, गलत सोच, गलत शब्द, गलत आचरण, गलत भाव तो और जल्दी स्प्रेड हो जाता, फैल जाता। फिर हम सम्मान के पास होते होते अपमान की कगार में कतार में खड़े होना पड़ता है। तुमको जीवन दान दे के भगवान ने सम्मान कर दिया। हर दिन जो हम सब लोगों को जीवन मिलता है
ये भगवान हमको सम्मानित कर रहा है, लेकिन हम उसकी शक्ति की महिमा नहीं कर पाते। तभी भगवान ने बोला सतोगुण सुख की आस, तभी ज्ञान के अभिमान उससे बांधता है, रजोगुण